दोस्ती जीवन का एक अनमोल रिश्ता है। हम हजारों दोस्त बनाते हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक ही दोस्त होता है जो सच्चा होता है। बाकी सब सांप की तरह सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं आपको वो कब डस ले। ऐसे में सच्ची दोस्ती की पहचान क्या है? कैसे पहचाने कि हमारे अगल बगल जो लोग हैं, जो हम खुद को दोस्त बताते हैं, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं या नकली दोस्त हैं? वैसे तो हर रिश्ता हम ऊपर से बनाकर ही आते हैं नीचे, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं जब हमें समझदारी आ जाती है तब। तो ऐसे में अगर दोस्ती हमने जिससे किया वो सच्चा दोस्त ही ना निकले, वो एक नकली दोस्त निकल जाए, वो सांप निकल जाए, फिर तो हमारी जिंदगी बद से बदतर बन जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्ती की आड़ में छुपे कहीं वो सांप तो नहीं। ऐसे हम किन बातों से पहचान सकते हैं सच्चे दोस्त और नकली दोस्त को? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या क्या पहचान है एक सच्चे दोस्त का, हम किस तरीके से पहचान सकते हैं सच्चे और नकली दोस्त को। तो सबसे पहले चीज आपको बता दें, दोस्ती, जैसे हमने पहले ही कहा कि दोस्ती जीवन का क्या है, एक अनमोल रिश्ता है, यह वह रिश्ता है जो हमें खुशी, सहारा और प्रेरणा देता है। लेकिन हर दोस्ती सच्ची नहीं होती। कई बार हम ऐसे लोग से घिर जाते हैं जो दोस्त बनने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे हित में वे न कभी सोचते हैं, न हमारे हित के बारे में वो होने देते हैं। ऐसे नकली दोस्तों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी एनर्जी और समय सही लोगों पर लगा सके। आइए जानते हैं किन तरीकों से हम नकली दोस्त को पहचान सकते हैं, यानी नकली दोस्तों को पहचानने की क्या क्या विधियां या फिर कौन से ऐसे लक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ आपके नकली दोस्त में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो असली दोस्त की पहचान कैसे करेंगे? पहला, ईमानदारी। याद रखिएगा, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो केवल और केवल आपके असली दोस्त में ही मिलेगा। यानी असली दोस्त हमेशा ईमानदार होते हैं, वे हमें सच बताने से नहीं डरते, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो। वे हमारी कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं और हमें सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई दोस्त का, अगर आपके अंदर कोई गलत आदत है, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो या फिर किसी भी तरीके के गलत आदत से जूझ रहे हो, अगर आपका वो सच्चा दोस्त होगा तो वो आपको मना करेगा, वो आपको, भले ही आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो आपको समझाएगा कि ये तुम गलत कर रहे हो, गलत रास्ता है। वहीं पर अगर आपका कोई झूठा दोस्त होगा, नकली दोस्त होगा, तो वो आपको प्रेरित करेगा और आगे बढ़ने के लिए, और आपको बढ़ावा देगा गलत चीजों में आगे बढ़ने के लिए। तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो कौन सा दोस्त आपका असली है और कौन सा दोस्त आपका नकली है। दूसरा लक्षण है समर्थन। असली दोस्त हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हम किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो, वे हमें प्रोत्साहित करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाते हैं। जो असली दोस्त होगा वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, अगर आप कोई कमजोरी है तो उसे दूर करने में आपकी मदद करेगा, आपको सही रास्ते पर लाने में आपको, कह सकते हैं ना, कि आपकी मदद करेगा। लेकिन वहीं पर अगर नकली दोस्त होगा तो वो आप में केवल कमियां निकालेगा और जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो आपके साथ नहीं होगा। तो आप इस तरीके से असली और नकली दोस्त की पहचान कर सकते हो। टिप नंबर 3, दयालुता। यानी असली दोस्त दयालु होते हैं, वे हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। असली दोस्त वो है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहे, जो आपको ना ना करे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास, मान लो आपका कोई दोस्त है, उसके पास 50 रुपए है और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, किराया नहीं है आपके पास और आप उससे 30 रुपए मांग रहे हो, अगर वो व्यक्ति आपको तुरंत दे दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो आपका सच्चा दोस्त है। क्योंकि दोस्ती क्या है, लोग आजकल, पता है, दोस्त क्या, आपके साथ हंसेंगे खेलेंगे, लेकिन जब दुख का टाइम आएगा, जरूरत का टाइम आएगा, तो वो गायब हो जाएंगे। तो जो लोग हंसते हैं आपके साथ वो असली दोस्त नहीं है, बल्कि जो आपके दुख में खड़े रहते हैं
आपकी मदद करते हैं वो असली दोस्त है। अगर आपके बर्थडे पर कोई दोस्त नहीं आया तो आप उससे नाराज ना हो कि तुम मेरे बर्थडे पे क्यों नहीं आए, क्योंकि असली दोस्त का मतलब ये नहीं कि बर्थडे पार्टी है तो आना है, खाना और खा के चले जाना है। अगर वो दोस्त आपके जरूरत पड़ने पर आपके साथ है, आप हॉस्पिटल में हो, आपको आपके लिए वो खड़ा है, तो वो असली दोस्त है। बर्थडे पार्टी में या फिर आपके पार्टीज में घूमने वाला असली दोस्त नहीं है, बल्कि आपके साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाने वाला असली दोस्त है, आपके साथ हर मुसीबत में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने वाला असली दोस्त कहलाता है। तो याद रखिएगा, असली दोस्त काइंड होगा, दयालु होगा, वो कभी भी आपकी जरूरत पड़ने पर आपको ना नहीं करेगा। अगला लक्षण है आपका विश्वास। असली दोस्त पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है, वे हमारे रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं और कहीं भी हमारे पीठ पीछे बातें नहीं करते। ठीक है, जो दोस्त आप कभी भी, जैसे दोस्ती में क्या होता है कि हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें शेयर कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक असली दोस्त उसको हमेशा अपने पास सिक्योरिटी के साथ सिक्योर रखता है। वहीं पर एक नकली दोस्त उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने मजाक की तरह प्रेरित करता है, फिर मजाक की तरह लाता है, सामने खड़ा करता है आपकी सच्चाई को। तो ऐसे दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। जो दोस्त आपकी भावनाओं की कद्र ना करे, जो दोस्त आपके बातों को या फिर आपके पीठ पीछे आपकी बात करे, आपकी बुराई करे, ऐसे दोस्त सच्चे हो ही नहीं सकते, ये नकली दोस्त होते, इन्हें नकली दोस्त कहा जाता है। अगला है मजा। अगर कोई दोस्त आपके साथ केवल फन मोमेंट यानी हंसी मजाक कर रहा है, आप पार्टी दे रहे हो तो आपके साथ पार्टी कर रहा है, आप घूमने जा रहे हो तो आपके साथ घूम रहा है, आपको लग रहा है ये मेरा सच्चा दोस्त है, तो नहीं। ठीक है, असली दोस्त के साथ, याद रखिएगा, असली दोस्त के साथ भले ही ऐसा होना चाहिए कि आप उसके साथ समय बिता सको। असली दोस्त वही है जिसके साथ समय मजेदार तरीके से बीते, वे हमें हंसाते हैं और हमारी जिंदगियों में खुशियां लाते हैं। लेकिन अगर कोई दोस्त केवल आपके साथ खुशी में खड़ा है, जब आप खुश हो तो आपके साथ है, लेकिन जब आपको जरूरत है, जब आप दुखी में हो, आपको किसी चीज की परेशानी है, और उस वक्त अगर आपके साथ आपका दोस्त नहीं है, तो उसका मतलब वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। क्योंकि सच्चा दोस्त का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल आपकी खुशियों में खड़ा रहे, सच्चे दोस्त का मतलब होता है जो आपके खुशी के साथ साथ आपके दुख में भी आपके लिए खड़ा हो। याद रखिएगा, बदलाव। अगला है, असली दोस्ती हमारे साथ बदलते हैं, वे हमारे विकास को देखकर खुश होते हैं और हमारी नई उपलब्धियों में साथ देते हैं। याद रखिएगा, असली दोस्त कभी आपसे जलेगा नहीं, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको प्रेरित करेगा और आगे बढ़ने का। वहीं पर अगर कोई आपका नकली दोस्त है तो वो आपसे जलेगा, वो आपका अनिष्ट होने की भावना उसके अंदर आएगी, वो आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। तो ऐसे दोस्तों से बचिए। अगर आपके किसी दोस्त में ये सारे लक्षण है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सच्चा दोस्त है ये, वो मेरे साथ हर वक्त खड़ा रहता है, हमें नई नई चीजें सिखाता है, हमें अच्छे रास्ते पर ले जाने में मदद करता है, वो हमसे कभी भी जलन की भावना उसके अंदर मेरे लिए नहीं है, तो वो आपका सच्चा दोस्त है। लेकिन अगर इसके विपरीत लक्षण आपके दोस्ती में दिखाई दे रहा है, तो वो आपके असली दोस्त नहीं है, बल्कि वो सांप है जो आपके अगल बगल घूम रहे हैं दोस्ती के आड़ में, और वो केवल मौके का इंतजार कर रहे हैं आपको डसने का। तो अभी भी मौका है, इससे पहले कि देर हो जाए, आप ऐसे दोस्ती से दूर हो जाइए, ऐसे रिश्ते से अलग हो जाइए जो आपके बारे में गलत सोचता है, जो आपके बारे में गलत भावनाएं रखता है, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करती है या फिर करता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग दोस्त ना ही रहे तो बढ़िया है। एक ही दोस्त रहे लेकिन सच्चा दोस्त रहे। दोस्ती का मतलब होता है ये नहीं कि हमें हजारों की संख्या में दोस्ती चाहिए। एक ही दोस्त रखो, सच्चा दोस्त रखो जो आपके 100 दोस्त के बराबर हो। 100 दोस्त रखने का क्या फायदा जब जरूरत पड़े तो आपके साथ एक भी खड़ा ना हो। तो ऐसे अब आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या लगता है, हमने जो बोल सकते हैं मापदंड अपनाया है सच्ची और नकली दोस्ती को पहचानने के लिए, क्या ये सही है, या कई बार ऐसा होता है कि ये सारे लक्षण नकली दोस्त में भी मिल जाते हैं। आप अपना राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बार एक वीडियो
इस वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्ती के नाम पर। अगर आपकी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त है तो उसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि वो हमेशा आपकी जिंदगी में बना रहे। और जिन लोगों के पास एक भी सच्चा दोस्त नहीं है, डोंट वरी, निधि मैम इज हियर। हम आपकी अपनी सबसे प्यारी सबसे अच्छी दोस्त है जो आपके साथ हर जिंदगी के हर मोड़ पर आपको खड़े मिलेंगे। आपको जब भी एक सच्चे दोस्त की जरूरत होगा हम हर वक्त आपके साथ होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आज से हमारी और आपकी एक नई दोस्ती की शुरुआत होगी। कौन कौन हमको अपना दोस्त मानता है ये भी कमेंट में बताओगे, हम देखेंगे कितने लोग हमको अपना दोस्त बनाते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।